रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। अभी तक आपने पढ़ा है ऑस्मोसिस, और ये जस्ट ऑस्मोसिस का उल्टा है। तो ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा था? पहली बात, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अंदर से होते हुए सॉल्वेंट के, ये सॉल्वेंट वाटर, अक्सर हमने वाटर लिया सॉल्वेंट, वाटर के सॉल्वेंट मूवमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके इसके जो होते हैं पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, और वो इधर से पास हो जाते हैं कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए। यही ऑस्मोसिस था। सॉल्यूट नहीं जाता, सॉल्वेंट के हाई कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट के लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं पार्टिकल। पर इसमें क्या है, जस्ट उल्टा है। हो क्या रहा है, यहां पर सॉल्यूशन लिया गया है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्टी वाटर। हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहां यूज करते हैं? जो आर ओ, इसी को बोलते हैं आर ओ। इसी का फर्स्ट वर्ड लेते हैं आर, इसका फर्स्ट वर्ड लेते हैं ओ, इसी को बोलते हैं आर ओ सिस्टम। और आर ओ सिस्टम में होता क्या है, जो पानी अपने पास आ रहा है उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, बहुत सारा सॉल्ट वगैरह है, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब यू समझते हैं, सी वाटर है। हम सी वाटर को कैसे प्योर कर सकते हैं? इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? आर ओ वाटर, आर ओ का यूज करेंगे। ये एक मशीन है। इसमें होता क्या है, बहुत दो तीन तरीके के आप देख रहे हैं, उसमें सिलेंड्रिकल फॉर्म में कुछ बकेट टाइप के होते हैं। उसमें क्या होता है, एक में पानी जाता है दूसरे में, और इसके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, और इस तरीके से फिल्टर होकर इधर से आता है, और इधर से जो पानी है इसको हम यूज करते हैं। अब ये इधर से आता कैसे है, ये प्रोसेस है आरओ का। इसमें देखिए आगे का पिस्टन लिखा हुआ है, ये पिस्टन जो है वो मैकेनिकल वर्क करता है। यहां से हम एक मशीन होती है उसके द्वारा यहां से प्रेशर डाला जाता है। ये प्रेशर किस पे होता है, इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पूरे पानी पे प्रेशर हम इधर से क्रिएट करते हैं। और ये प्रेशर कितना होना चाहिए वास्तव में, तो अगर ये पिस्टन ऑन नहीं होगा उस केस में, तो ये पानी इधर आएगा, यही ऑस्मोसिस है। पर इस पिस्टन का जो प्रेशर होगा, अगर वो ऑस्मोसिस प्रेशर से ज्यादा होगा तब क्या होगा, ये इधर आना बंद हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो बंद हो गया। अब क्या होगा, और कह रहा है और ज्यादा प्रेशर होगा तो इसके मॉलिक्यूल्स इसमें से होते हुए इधर जाएंगे, और वो भी कौन से मॉलिक्यूल जाएंगे, जिसकी जो पार्टिकल साइज होती है वो छोटी होती है। इसमें क्या है, सॉल्ट भी है वाटर भी है, पर अगर सॉल्ट के पार्टिकल बड़े हैं तो ये नहीं जा पाएंगे, वाटर के पार्टिकल इसमें से क्या होंगे, छोटे हैं। सॉल्वेंट हमने कहा था हमेशा पार्टिकल छोटा होता है, ये हमेशा इसके जो पोर्स होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो परमिशन देती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कहा था ना पार्चमेंट पिक की जो ब्लेडर, या फिर जो कुप्रिक जो फेरोसाइनाइड से बना, ठीक है ना, या सेलोफेन से हम सिंथेटिक करते हैं, ये क्या मेम्ब्रेन है, इसमें पोर्स है, इतने छोटे पोर्स है, ये इससे छोटे वाले पार्टिकल जा पाएंगे। हम बात करते हैं जैसे मान लो कि ये है, इससे इतना सा ये वाला छोटा पार्टिकल ये चला जाएगा। अगर वो कहेगा कि नहीं भैया ये वाला जाएगा क्या, ये नहीं जाएगा, क्यों, इसके पोर्स से इसका साइज बड़ा है। अच्छा इतना ही साइज इधर भी था, ये इधर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि प्रेशर है ये और उधर धक्का दे रहा है, ये वाले पार्टिकल इधर से होते हुए इधर आएंगे। इसी तरीके से सारे जगह से क्या हो गए, ये पार्टिकल इधर आएंगे, तो इधर का सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट के पार्टिकल बड़े हैं तो ये यही रह जाएंगे, ये मूवमेंट नहीं करेंगे। इसके वाटर के पार्टिकल हैं तो ये छोटे, इस केस में यहाँ पे केवल वाटर रह जाएगा, या वाटर आएगा वो बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से हम आरओ का यूज करते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब प्रेशर होता है ना लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तभी ये आरओ वाटर मिलेगा। इसीलिए आप देखिए टेस्ट में आरओ वाटर बहुत ही ज्यादा लाइट तरीके का होता है, क्यों, उसमें पार्टिकल का साइज ही बहुत छोटा छोटा है, उसमें जो साल्ट वगैरह है सब यही रुक गए। अगर इसमें कुछ मिनरल्स वगैरह होते हैं तो क्या होता है, वो भी यही रुक जाती है, क्योंकि मिनरल्स का साइज भी बड़ा होता है। इसी तरीके से कोई बड़ा वाला हो, एक चीज और होती है आरओ में, हम देखते हैं कभी एंटीबैक्टीरियल भी लगे होते हैं, वो इस पानी को आगे की तरफ यूवी रे से निकाला जाता है तब वो एंटीबैक्टीरियल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मिनरल को, लार्ज पार्टिकल को रोकने का यही प्रोसेस है, यही आरओ सिस्टम है। मतलब आरओ प्लस उसको यूवी बोलते हैं, क्योंकि वो यूवी अलग चीज है, उसको बैक्टीरिया का लो, अगर तुम बोलोगे आरओ क्या बैक्टीरिया को रोक देगा कि नहीं रोकेगा, क्योंकि उसका साइज भी बहुत छोटा होता है, वो भी निकल जाएगा। केवल ये है लार्ज पार्टिकल को रोकने के लिए, और वो भी किसका, सॉल्यूशन वाले का। इसमें सॉल्यूट जो होता है वो इधर नहीं आता है और सॉल्वेंट इधर जाता है, इसके लिए सबके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है प्रेशर,
जो कि हम इस पिस्टन से लगा रहे हैं, जो इस पे लग रहा है, जो इधर लग रहा है और इधर से मूवमेंट करते हैं इधर निकल रहा है, ये पानी जो है ये ड्रिंक के लिए पानी ये काम में आता है।